बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। विस मारिया बी वेडिंग एडिशन विच हैज बीन लॉन्च ऑन 17th और 18th अक्टूबर, 3 से 4 दिन हुए हैं। इसका एक बहुत ही खूबसूरत कोट D4 इज जस्टिन स्टॉक, ये इसकी मॉडल पिक्चर है, इनले कार्ड है, नेक्स्ट ओरिजिनल है। ओरिजिनल की प्राइस तकरीबन 43,000 के करीब है, बट वी आर प्रोवाइडिंग दिस ब्यूटीफुल आउटफिट इन अ वेरी रिजनेबल प्राइस। कलर है इसका बॉटल ग्रीन। और स्टार्ट करते हैं अनफोल्डिंग करना आज का वीडियो। कंप्लीट आपको 4 पीस मिलेगा, इसके साथ आपको 5 गज का प्योर स्लब रॉसिल का मैच सूट आपको मिलेगा जो मैंने नीचे बिछाया हुआ है, ठीक है जी। सबसे पहले आगे इसके फ्रंट साइड के ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे 4 ब्यूटीफुल पैनल्स ऑफ 12 इंचेस, 12 इंच का एक पैनल है, ठीक है जी। हर पैनल के ऊपर जैसे ओरिजिनल में ये वेलवेट के ऊपर लेजर कटवर्क के साथ ये पैच, बड़ी मेहनत से ये सूट बना हुआ है, ठीक है जी। लेजर कटवर्क के साथ ये इसके ऊपर सारा काम है। उसके बाद फिर इसके ऊपर आप देख सकते हैं एम्बेलिशमेंट वर्क, गोटा, ब्राइडल सीक्वेंस, तिल्ला और पर्ल्स का काम है इसके ऊपर, ठीक है। ये देख सकते हैं आप हर पैनल पे, ये भी सारा वेलवेट के साथ ओरिजिनल में जैसे लेजर कटवर्क था वैसे ही लेजर कटवर्क हुआ हुआ है सारा, और इंतहाई मेहनत के साथ ये बना हुआ है। अच्छा जी, फ्रंट के आएंगे 4 पैनल्स, ठीक है, 1, 2, ठीक है। एक पैनल मैंने आपको डिटेल से इसलिए दिखाया क्योंकि बाकी भी उसी तरह ही आएंगे। 2, 3, ठीक है जी। और ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे है ये सारा, और इसके ऊपर वेलवेट के साथ सारा लेजर कटवर्क जो काम और एम्बेलिशमेंट है वो मैंने आपको सारी दिखा दी है। 4 पैनल्स आ गए, 12-12 इंच के आपके 4 पैनल्स आ गए। फिर जनाब वेलवेट के ऊपर इसका गला, ठीक है जी, ये देखें वेलवेट फैब्रिक पे इसका गला, इसके ऊपर भी सारा तिल्ले का और उसका सीक्वेंस का काम है। उसके बाद इसके ऊपर एम्बेलिशमेंट वर्क है, ये गोटा वर्क है, खूबसूरत पर्ल्स की सेटिंग है, ब्राइडल सीक्वेंस की सेटिंग है, ये आ गया है इसका एक साइड, और ये आ गई इसकी वेलवेट फैब्रिक पे इसके गले की दूसरी साइड विद दिस गोटा फ्लावर्स सेटिंग एंड पर्ल्स एंड एम्बेलिशमेंट सेटिंग, ये आ गया इसका दूसरी साइड। अच्छा जी, फिर तकरीबन 1.5 गज की इसकी बैक साइड है, ठीक है जी। बैक से टोटली प्लेन है, इसके ऊपर 1 से 2 पैचेज आएंगे वो मैं आपको भी बताता हूँ। ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे ही इसकी बैक साइड है 1.5 गज की। अच्छा जी, फिर ये कुछ इसके साथ एक्सटेंशन लेसेस हैं, ठीक है जी, ये वेलवेट फैब्रिक पे ही है, ठीक है जी। इसके ऊपर एम्बेलिशमेंट की टचिंग, पन्नी वर्क, सीक्वेंस वर्क, तिल्ला वर्क है, ठीक है। ये जब आप फ्रंट के पैनल्स जोड़ने होंगे तो आप इसमें एज एन एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है, आप एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं इस वेलवेट की लेस को। फिर जनाब आ जाते हैं इसके फ्रंट का दामन पैच नंबर 1, और ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर ये पैच है, ठीक है जी। फ्रंट और बैक साइड दोनों के लिए है ये, ठीक है जी, एक। फिर जनाब वेलवेट की एक्सटेंशन है तकरीबन 1 यार्ड की या 1 यार्ड से थोड़ी सी ज्यादा, ये जनाब फ्रंट बैक और स्लीव्स के आगे आएगी, ये वेलवेट की एक्सटेंशन, ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं जनाब इसके स्लीव्स, ये आ गए इसके स्लीव्स का ऑर्गेन्जा वाला पैच, दोनों साइड के स्लीव्स का ऑर्गेन्जा पैच है, ठीक है जी। इसके ऊपर भी सारी एम्बेलिशमेंट की, गोटे की, पर्ल्स की और एम्बेलिशमेंट की सेटिंग है। फिर ये इसका वेलवेट का स्लीव्स का वेलवेट के पैचेस, ठीक है जी। इसके ऊपर भी सारी सेटिंग है एम्बेलिशमेंट की, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं इसके स्लीव्स के कफ, कफों के ऊपर भी ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे कफ हैं, इसके ऊपर भी पन्नी वर्क, ठीक है जी, गोटा फ्लावर्स, तिल्ला और सीक्वेंस की सेटिंग है, ये आ गया आपके स्लीव्स। स्लीव्स के बाद जनाब आ जाता है इसका खूबसूरत वेलवेट की चादर, जो कि तकरीबन 2.5 से 3 गज के बिटवीन है। उसका डिजाइन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये चेक करें आप, ये देखें इसका रनिंग साइड 4 साइड बॉर्डर्ड है शॉल, ठीक है जी। ये तकरीबन 2.5 से 3 गज की चादर है इसकी, ये सारा गोल्ड फॉइल प्रिंट है, जैसे ओरिजिनल में था बिल्कुल वैसे इसके ऊपर ये सारा फॉइल का काम हुआ हुआ है। अच्छा जी, ये आ गई इसकी चादर। फिर आ जाते हैं इसके चादर के वेलवेट के 4 साइड बॉर्डर्स, वेलवेट फैब्रिक पे ही है, ठीक है जी, पन्नी वर्क, सीक्वेंस, तिल्ले एम्ब्रॉयडरी के साथ वेलवेट के 4 साइड बॉर्डर्स। एंड एट लास्ट जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था 5